ये ओरियो के पीछे पड़ जाता है हमेशा। सही है, यहाँ के कुत्तों को खुला छोड़ देते हैं, ओरियो को छोड़ दिया ना खुला, ओरियो तो भाग जाता है। ये देखो तो घर पे पहुंच चुके, किसी को पता भी नहीं चला कि हम केक लाए, हमने सीधा फ्रिज में डाल दिया, पता ही नहीं चला। फायदा हो गया आज। अब सही है, अब इसको कल निकालेंगे फ्रिज से। कल सब लोग यहीं कहेंगे केक कहाँ गया, हमने कहा ये रहा। तो अभी साहिल और पीयूष को एक काम मिला इंपॉर्टेंट पूजा के लिए, इसको तो इसके अंदर से 108 ढूंढने हैं और इसको 108 पत्ते ढूंढने हैं। साहिल एक्सचेंज कर लो यार। नहीं ये देखिए मेरे को, ये छोटा है तो छोटा करेगा। 106 107 108 मेरे। भाई सबके सब काम में लगे हुए, लिटरली किसी को बिल्कुल ही फुर्सत नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, मम्मी पापा चाचा चाची सब लगे पड़े फुर्सत नहीं खेलने से। ये देखो गाइस इनके जुगाड़, पीनट बटर के इसमें इन्होंने रायता डाल दिया। वाह पापा जी कुकिंग पहली बार देखते हुए हम। कुनाली आप इतने छोटे क्यों हो? क्योंकि मैं कम खाता हूं। ज्यादा क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। कुनाली सुनो, अभी ना हम केक लेके आए, खाओगे? चॉकलेट वाला है, खाओ, किसी को बताना मत फिर। हाँ। सिर्फ मैंने आपको बताया। हुँ। ठीक है। हुँ। अभी आपको दूंगा। हाँ। किस लिए लाए हो केक? मेरे को खिलाने के लिए। नहीं खिलाने के लिए नहीं लाए हैं, ब्लू टिक। ब्लू टिक क्या है? ब्लू टिक हुआ है। क्या हुआ फिर? ब्लू टिक इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम फिर क्या? ब्लू टिक। ब्लू टिक हाँ। वो क्या होता है? वो होता है कुछ कुछ क्या होता है? जब बड़े हो जाओगे ना, ये वीडियो देखोगे तब आपको चलेगा पता। मुझे उस टाइम नहीं पता था, अभी मुझे भी चाहिए। तो अभी गाइज मम्मी चाची एंड अम्मा ने पूरा उत्तराखंडी ट्रेडिशन वाली ड्रेस डाल लिया, जो कि है पिछौड़ा और साड़ी, नथवत सब डाल लिए हैं, प्यारे लग रहे हैं। पूजा में हर किसी अवसर पे ये सब किया जाता है। और ये है हमारे यहाँ का मंदिर जहाँ पे पूजा होगी। तो सब बैठ चुके हैं, बट यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, तो कोई बात नहीं, लाइटिंग है बट ये हल्की सी है। क्या है? जीजा जी छत पर कोई है। जीजा जी छत पे कोई है? ब्रांड प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन। खोलिए देखिए, देखते हैं क्या है। 5 रुपए का आता है? अच्छा ये इसका नाम जीजा जी छत पे क्यों है? चैनल का जो सीरियल है ना, उसके नाम पे सब बना रखे हैं। बंदर मामा पहन पैजामा वो भी बना रखा है अभी। तो अभी गाइस ओरियो भी आ चुका है यहाँ पे, वहाँ पे ओरियो बोर हो रहा था, तो फिलहाल अभी यहाँ से देखता रहेगा। ये भी नज़ारे यहाँ के। आपका घर सबसे बढ़िया जगह पे है? अच्छा। यहाँ से देखो चारों साइड का व्यू कितना प्यारा दिखता है, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी। तो गाइस अभी हम बोल रहे हैं तो सारा आटा, बिकॉज अभी सारे जने का खाना हमारे घर ही आज रात का। सो आज आटा हम बोलेंगे इतना सारा, तीन भाई मिलके। पीयूष अकेले गूंदेगा तो सारा आटा। हाँ पागल हो, छोड़ दो उधर थोड़ा। तो गाइस अभी खाना बन रहा है। खाना नहीं बन रहा, आटा गूंद रहा है। बोलो बोलो तो कैसे आटा गूंद रहे हो? तो गाइस अभी सौरदा और शारदा और पीयूष दा आटा गूंद रहे। क्यों गूंद रहे बताओ तो? क्या करेंगे आटा गूंद के? नहीं पता, इसमें जोर बहुत लगता है। एक काम करो, ऊपर का ना वो बना लो, पिंडी जैसे बना के इसमें रखो। मैं कह रहा अगर आपको ज्यादा आटा गूंदना है तो मैं आपको बताता हूँ इस तरह से। पहले आटे को गूंद के इस तरह से रख लो, यहाँ पे ऐसे बना लो गोले। तो गाइस अगर आपके घर में भी कोई शादी है, फंक्शन है, कुछ भी, तो हमको बुला सकते हैं आटा गूंदने के लिए। 150 रुपया लेगा पीयूष, मैं 250 रुपया लेगा। हाँ फ्री सेवा। बस एक काम कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, उसको फॉलो कर दीजिएगा बस। ऐसे मत कर। तो आटा तो गूंद लिया है, हाथ धो के आते हैं धारे पे, पूरे आटे आटे वाले हो गए। आटा तो गूंद दिया है, अब पूरी की बारी है। पूरी बनाने वाली मशीन है यहाँ पे, मशीन ही है। तो भी गाइस अंधेरा हो चुका है, पीयूष अभी तक लगा पड़ा है। कितनी पूरी बनाई आज? सारी पूरी। तो सारी पूरी पीयूष ने बनाई आज। कैसा लगा वैसे, कैसा एक्सपीरियंस था? मजा, सेटिस्फाई है तभी तो कर रहा हूं। अच्छा सेटिस्फाइंग है। अच्छा इसे दबाना होता है ना बस, ऐसे हल्का सा दबाने में जाता है। ये देखो इस तरह से बना रहा है पीयूष, फिर वहां पे पूरियां बन रही हैं। तो गाइस फिलहाल खाना पीना हो चुका है मस्त, आज पीयूष के हाथ की पूरियां खाई इसने, बेलीस आज सारी। तो फिलहाल मेरी एडिटिंग भी हो चुकी है और पूजा भी हो चुकी है आज मस्त, सत्यनारायण की पूजा थी तो अच्छे से। बस फिलहाल बस एडिटिंग हो गई, इसको अपलोड भी लगा के सो जाऊंगा। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यार मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा लिटरली।